औरत के साथ जो एनल सेक्स है पीछे से करना, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो पहले नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सामने आना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है, अल्लाह के फजल से लखनऊ का सेक्रेटरी और सेक्शुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, यानी कि आपके एकदम कान खड़े हो जाएंगे उसका टॉपिक सुन के। टॉपिक है एनल सेक्स इन फीमेल, यानी कि एनल सेक्स मेल। ये तो एक बहुत पुराना टॉपिक है, सदियों पुराना, क्योंकि हम जिन परिस्थिति तो बहुत जब से इंसानियत बनी है तब से हो रही है। तो ये औरत के साथ जो एनल सेक्स है पीछे से करना, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो पहले नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सामने आना शुरू हो गया है। तो फिनोमेना गलत है, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन गलत चीज़ है, लेकिन उसको स्टडी करना तो ज़रूरी है। जैसे कत्ल करना ये गलत बात है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी हम पढ़ते हैं। रेप करना ये गलत बात है, लेकिन रेप का नॉलेज हम हासिल करते हैं कि कौन क्यों कैसे हो रहा है। तो गलत चीज़ को स्टडी करना ज़रूरी होता है, उसको प्लस माइनस देखने। जैसे नशा है, नशे को बहुत उसकी डीप स्टडी होती है, इसीलिए होती है कि उसको समझा जाए। गलत चीज़ को भी जब तक समझेंगे नहीं, आप उसके साथ नबरजुमा हो नहीं सकते। तो एनल सेक्स इन फीमेल जो है, इसको भी स्टडी किया गया है। अब ये वाकई ये यूरोप की साइड पे, अमेरिका की साइड पे ये फिनोमेना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि तकरीबन 20-30% फीमेल जो हैं वो अपनी लाइफ में एनल सेक्स करती हैं। अभी ये बहुत वास्ट किस्म की यानी कि परसेंटेज है। तो ये क्यों करती हैं? मेल की तो समझ आती है कि मेल के अंदर तो एक प्रोस्टेट होता है, जो कि जबकि पीछे उसके नफ्स डाला जाता है तो प्रोस्टेट के साथ नफ्स टच करता है, तो एक नया किस्म का मज़ा उसको आता है, और इतना शदीद कई लोगों को आता है कि वो दूसरा सेक्स करना भूल जाते हैं। यानी कि मेल में तो इसकी एनाटॉमिकल जस्टिफिकेशन भी मिलती है, और इवन ये जानवरों में देखें, कुत्ते कुत्तों के साथ मेल मेल के साथ कर रहा होता है, बकरे कर रहे होते हैं, घोड़े कर रहे होते हैं, इवन उनमें भी ये इंस्टिंक्टिवली चीज़ पाई जाती है। लेकिन फीमेल के साथ पीछे से करना ये कुछ अजीब सा फिनोमेना है, इसको स्टडी करना। पहली बात ये है कि एनल सेक्स जो है, क्या अल्लाह ताला ने सेक्स के लिए बनाया है, इंटरकोर्स के लिए बनाया है? तो हमारा जवाब नो है कि उससे बच्चा तो नहीं पैदा होना। और दूसरी बात ये है कि जो एनल कनाल है, ये तो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, ये उसका हिस्सा है, ठीक है? यानी कि और उसके अंदर वो उसकी एनाटॉमी नहीं होगी जो कि वजाइना की होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दीवारें कमज़ोर हैं, ये नाजुक है, और फिर इसके अंदर ग्लैंड्स भी कोई नहीं है जैसे वजाइना के अंदर होते हैं। वजाइना में ग्लैंड्स नहीं होते, लेकिन उसमें एक और सिस्टम होता है जिसके ज़रिए सिक्रीशंस होती हैं, वो होता है तरीका जिसमें वो एक फिल्ट्रेशन होती है, तो वो भी उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना नाजुक हिस्सा है, अब उसके अंदर नफ्स डाला जाएगा और तो क्या होगा? तो अगर वो फुली एक्सपैंड नहीं हुई तो फिर वो फट सकती, वहाँ पर टीयर्स आ जाएंगे, जब टीयर्स आ जाएंगे तो भाँ भाँ हो जाएगी। तो मुझे बताएं, इतना पेनफुल जो काम है फीमेल क्यों इंजॉय करेगी और क्यों कहेगी कि आ जाओ जनाब कर लो जो करना है? पर नहीं, 20-30% खवातीन कर रही हैं। ये भी तो देखें, आखिर इसको भी तो स्टडी करना है। पहली बात ये है कि हम ये देखें कि ये औरतें करती क्यों हैं, क्यों आखिरकार एनल सेक्स की तरफ
एक तो रीज़न सिंपल है कि अपना जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको राज़ी करना है। वो कहते हैं मैंने पीछे से करना करना, लाओ जी जो आपके मजाज यार में आए खुश हो जाएगा बंदा। ये एक खासी मेजॉरिटी जो ऐसे करती है ऐसे, जिसकी वजह से पार्टनर को खुश करने के लिए। अच्छा, कुछ जो हैं वो नशे की हालत में होती हैं ख़वातीन, तब वो एनल सेक्स करती हैं, और खासी बड़ी तादाद में। क्या आपको पता है यूरोप वगैरह में तो अल्कोहल के बगैर, वाइन के बगैर सेक्स नहीं करती लड़कियां, तो नशे में अक्सर होती हैं वो, बड़ी मेजॉरिटी पाई गई है। पर कुछ ऐसी हैं जिन्होंने कहा जी हमें ऑर्गेज्म ही वहाँ से होता है, हमें तो मज़ा ही यहीं से आता है, हमने तो करना ही यहीं से है, मतलब ये भी एक वजह पाई जाती है। सो इसका मतलब है कि एनल कनाल जो औरतें यूज़ करवाती हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ऐसा होता है। अब वो जो मेल हैं जो कर रहे होते हैं, जो औरतें आदी होती हैं, वो पहले लुब्रिकेशन यानी कि ऑयलिंग और वैसलीन आधा पौना आधा घंटा उसको स्टिमुलेट करते हैं फिंगर्स के साथ, दूसरे तरीके के साथ कि वो एक्सपेंड कर जाए, रिलैक्स कर जाए, फिर वो पेनिट्रेट करें तो पेन का अंदाज़ा कम हो और टीयर्स ना आए, मतलब ये चीज़ों का हिसाब रखते हैं। अगर नहीं करते तो फिर तो डेफिनेटली बहुत हॉरिबल रिजल्ट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अब हमने देखना है कि जो ख़वातीन इंजॉय करती हैं ये क्या वैरायटी है, इसको भी तो हमने देखना है ना। आखिरकार जब हमने कहना इस फिनोमेनन को स्टडी करना है तो फिर साइंटिफिकली स्टडी करें, तो पता ये चला है कि एक सेक्स का जो पॉइंट है वो वजाइना और एनल कनाल के बीच में पाया जाता है, जिसका नाम है प्रिंजल स्पंज। और प्रिंजल स्पंज को पिछली साइड से रेयर एंट्री से बैक डोर से स्टिमुलेट करना आसान होता है, और कुछ लोगों का ऑर्गेज्म जो है उस पॉइंट के साथ अटैच हो जाता है ख्वातीन का। अब वो पहले तो रिलैक्स होंगी, पेनिट्रेट होगा आराम से, फिर वो उसको टच करेगा, करने के बाद खास पोजीशन में आके करते करते ऑर्गेज्म तक चली जाएगी। अब वो औरतें जो हैं वो फिर अब उसकी आदत उनको बन जाएगी। तो एनल कनाल जो है वो फीमेल एबनॉर्मेलिटी ज़रूर है ये, और हर एबनॉर्मेलिटी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो आप इन फिनोमेना को स्टडी करेंगे तो फिर आप इनको समझ सकेंगे। बुराई को भी अगर आपने डील करना है तो उसको समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा जो आइकॉन है बेल का उसे आप टच करें। खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।